सवाल नंबर एक, किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को मच्छर ज्यादा काटते हैं? सही जवाब, दोस्तों जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनको मच्छर अधिक काटते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्लड में प्रोटीन होते हैं और इसकी मात्रा ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ज्यादा होती है। सवाल नंबर दो, चूहा एक साल में कितने बच्चे पैदा कर सकता है? सही जवाब, दोस्तों एक शोध के अनुसार एक जोड़ा चूहा एक साल में लगभग 800 से 1200 तक चूहों को जन्म देता है। चूहिया का गर्भकाल 19 से 20 दिन का होता है और ये एक बार में 10 से 12 बच्चे तक जन्म देते हैं। सवाल नंबर तीन, एक हेलीकॉप्टर का वजन कितना किलो होता है? सही जवाब, दोस्तों एक खाली हेलीकॉप्टर का वजन 135 किलो से लेकर 15,070 किलो तक हो सकता है। ये हेलीकॉप्टर के डिजाइन, प्रकार और मॉडल पर निर्भर करता है। सवाल नंबर चार, एक व्यक्ति 555 दिन तक बिना दिल के कैसे जिंदा रहा? सही जवाब, अमेरिका के स्टैन लार्किन नाम के शख्स का हृदय कुछ स्वास्थ्य के कारण से नवंबर 2014 में निकाल दिया गया था, जिसके बाद से वह एक पोर्टेबल कृत्रिम हृदय पर निर्भर था और पूरे 1.5 साल के बाद इस शख्स का हृदय प्रत्यारोपण किया गया। सवाल नंबर पाँच, यूट्यूब में FT का मतलब क्या होता है? सही जवाब, दोस्तों FT का फुल फॉर्म फीचरिंग होता है, जिसका मतलब है कि कोई दो लोग किसी वीडियो में एक साथ काम करना, इसलिए टाइटल में नाम के आगे FT या फिट लिखते हैं। सवाल नंबर छः, सड़क के बीच झाड़ियाँ तथा पौधे क्यों लगाए जाते हैं? सही जवाब, दोस्तों सड़क के बीच झाड़ियाँ इसलिए लगाते हैं ताकि रात के समय एक ओर से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी दूसरे ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी ओर के वाहन चालकों को कोई भी समस्या ना हो। सवाल नंबर सात, दुनिया का सबसे बदबूदार फूल कौन सा है? सही जवाब, दुनिया का सबसे बदबूदार फूल बासिल का होता है। इस फूल की गंध जले हुए शक्कर या सड़े हुए मांस की तरह होती है। ये फूल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। सवाल नंबर आठ, हमारे शरीर पर मक्खियाँ क्यों भिनभिनाती हैं? सही जवाब, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मक्खियाँ आकर्षित होती है। वही प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक जैविक गंध होती है जो सारे शरीर से निकलती है, इसलिए मक्खियाँ नाक और मुँह के पास भिनभिनाती है। सवाल नंबर नौ, किस देश में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया जाता है? सही जवाब, दोस्तों व्हाट्सएप 180 देशों में यूज किया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा 340 मिलियन यूजर सिर्फ भारत में ही है। दूसरे स्थान पर 99 मिलियन के साथ ब्राजील देश आता है। पूरी दुनिया में 2 मिलियन से भी ज्यादा व्हाट्सएप यूजर है। सवाल नंबर 10, किस देश में समलैंगिक होने पर मौत की सजा दी जाती है? सही जवाब, दोस्तों समलैंगिक गतिविधि यानी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को सऊदी अरब में अपराध माना जाता है, जिसके लिए सजाए मौत का प्रावधान है और अतिरिक्त सजा के तौर पर अपराधी के जिस्मानी अंगों को जनता के सामने काट दिया जाता है। सवाल नंबर 11, 2021 में किस देश की करेंसी सबसे मजबूत है? सही जवाब, 2021 में कुवैती दीनार सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दीनार यानी 3.32 अमेरिकी डॉलर होता है और एक दीनार 249 भारतीय रुपए के बराबर है। सवाल नंबर 12, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? सही जवाब, दोस्तों जब आप बर्तन को ढक देते हैं या कुकर में खाना पकाते हैं तो उसमें बनने वाली भाप बेकार नहीं जाती है। ढके बर्तन में दाब भी अधिक होता है। प्रेशर कुकर में दाब के कारण उसमें पकाए जाने वाले पदार्थ जल्दी पकते हैं। सवाल नंबर 13, मुकेश अंबानी के संपत्ति का 1% कितना होगा? सही जवाब, दोस्तों मुकेश अंबानी के पास 8,450 करोड़ $ की कुल संपत्ति है, जिसका सिर्फ 1% भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो 6,347 करोड़ रुपए होता है। मुकेश अंबानी 90 करोड़ रुपए एक घंटे में कमाते हैं। सवाल नंबर 14, हीरा सोने से भी महंगा क्यों होता है? सही जवाब, दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया में हीरे का उत्पादन केवल 3 ही देशों द्वारा किया जाता है, एक भारत, दूसरा दक्षिण अमेरिका और तीसरा दक्षिण अफ्रीका, और दुनिया में शुद्ध हीरे की मांग की अपेक्षा इसका उत्पादन कम है, इसलिए हीरे महंगे होते हैं। सवाल नंबर 15, सिर कलम करने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रहता है? सही जवाब, सिर कटने के बाद कॉकरोच 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच मुंह से सांस नहीं लेते, वह अपने शरीर में मौजूद होल से सांस लेते हैं। 9 दिन बाद भी वह प्यास की वजह से मर जाता है।
सवाल नंबर 16, क्या होगा अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए? सही जवाब। दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी होने से वायुमंडल में हवा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन के ज्वलनशील होने के कारण आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण हम कम बीमार पड़ेंगे। ज्यादा ऑक्सीजन के कारण विशालकाय जानवरों का जन्म होगा। सवाल नंबर 17, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही जवाब। दोस्तों, चेनानी नाशरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस सुरंग की लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ती है। सवाल नंबर 18, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? सही जवाब। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। वैक्सीन का मतलब आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना होगा, परंतु वो उतना घातक नहीं होगा और वो कोरोना सिर्फ मामूली फ्लू बनके आम पैरासिटामोल से भी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 19, कुत्ते जीभ निकालकर क्यों हांफते रहते हैं? सही जवाब। कुत्ता एक गर्म खून वाला जानवर है। कुत्ते को अन्य जानवरों की अपेक्षा पसीना कम आता है। गर्मियों में कुत्ता अपने शरीर की गर्मी बाहर निकालने के लिए जीभ निकालकर हांफते हैं, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है। सवाल नंबर 20, हंसाने वाली गैस कैसे काम करती है? सही जवाब। दोस्तों, लॉफिंग गैस, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, ये लगभग सभी प्रकार की संवेदनाओं को दबा देती है, विशेष रूप से श्रवण, स्पर्श और दर्द। यह चिंता और याद रखने की क्षमता को भी कम करता है। सवाल नंबर 21, बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? सही जवाब। दोस्तों, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली जितनी ताकत से आगे की तरफ जाती है, उतनी ही ताकत वह पीछे की तरफ भी लगाती है। यही कारण है कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें एक झटका लगता है। सवाल नंबर 22, ईरान की लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? सही जवाब। दोस्तों, एक सर्वे में ईरान की महिलाओं को सबसे ब्यूटीफुल माना गया था। इस खूबसूरती की वजह ईरान की भौगोलिक और जेनेटिक कंडीशन से, साथ ही ये अपने डाइट में रेगुलर ऐसी चीजें लेती है जिनसे इनकी स्किन ग्लोइंग और बालों की शाइनिंग बरकरार रहती है। सवाल नंबर 23, ज्यादा कॉफी पीने से क्या होता है? सही जवाब। दोस्तों, कॉफी दिन में 2 से 3 कप ही पीनी चाहिए। अधिक मात्रा में सेवन से अनिद्रा होती है। कॉफी से दवाओं का प्रभाव कम होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। हड्डियां कमजोर भी हो सकती है। सवाल नंबर 24, किस देश की अपनी कोई आर्मी नहीं है? सही जवाब। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने सुरक्षा के लिए सेना से ज्यादा भरोसा पुलिस पर जताया है, इसलिए करीब 7 देशों में कोई आर्मी नहीं है। सवाल नंबर 25, क्या सहवास करने से कमजोरी आती है? सही जवाब। जी नहीं दोस्तों, सीमेन शरीर में हमेशा बनता रहता है। आप इसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो यह अपने आप निकल जाएगा। सहवास करने से कुछ देर बाद शारीरिक थकान स्वाभाविक है, लेकिन थोड़ी देर बाद इंसान अधिक फुर्तीला और उत्साहित महसूस करता है। इससे कमजोरी का कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, अब तक के सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।